नमस्कार, recipesclass.com में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पराठा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा लिया है, 2 कप गेहूं का आटा है ये, 1 कप पानी आटा बनाने के लिए, 5 आलू मीडियम साइज़ के उबले हुए, 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और जिंजर पेस्ट। सबसे पहले आटा लगा लेंगे हम। 1 छोटी चम्मच हमने नमक मिला दिया है इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे सॉफ्ट आटा बना लेंगे। इससे हम आलू के पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आलू हमें हर सीज़न में मिल जाते हैं, तो हम कभी भी आलू के पराठे बना सकते हैं। हमारा आटा तैयार हो गया है, अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो आलू जो है हम इन्हें छोटे टुकड़ों में पहले काट लेंगे। ऐसे मैं स्पून से ही कट कर रही हूँ इसे, और इसे अच्छे मैंने बिल्कुल मैश कर लिया अच्छे से आलू को। इसमें मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक मिलाया है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें, और जिंजर पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा आटा लेंगे हम और उसे ऐसे गोल गोल करके इसे हम चकले पे लगाएंगे। चकले पे रखने से पहले हम थोड़ा उसमें आटा लगा लेंगे, और आटा लगाने के बाद उसे बढ़ाएंगे। गोल रोटी के बराबर हम उसे बना लेंगे और ऑयल लगाएंगे पूरे पे। ऐसे स्प्रेड कर दिया है मैंने ऑयल को। उसके बाद इसमें मैं स्टफिंग रख रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने स्टफिंग रखी है। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे ऐसे बंद कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा आटा है वो मैं निकाल दूँगी। निकाल दिया मैंने एक्स्ट्रा आटा। और फिर से हम इसे थोड़ा हाथ से ही प्रेस करेंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे हम हाथ से इसे। इससे बेलने में हमें आसानी रहेगी। और अब आटे में ऐसे लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा है वो ऐसे झड़ा देंगे हम। फिर से मैं इसे बेल रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल रही हूँ मैं इसे। एकदम पर से ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे हम। जो आलू का पराठा है वो बिल चुका है बिल्कुल। अब हम जो तवा है उस पर थोड़ा ऑयल लगाएंगे, और उसे ऐसे पूरे जो तवे पे उसे हम स्प्रेड कर देंगे ऐसे। उसके बाद मैं पराठा इस पर रख रही हूँ। मैंने डाल दिया है पराठा, और 1 मिनट के बाद मैं इसे ऐसे पलट रही हूँ। अब पलट चुका है ये। उसके बाद मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी, थोड़ा ऐसे तवे पे भी हम डाल देंगे ऑयल। इससे पराठे में जो नीचे की साइड से है वो पराठा अच्छी तरह से सिक जाएगा। अब इसे दूसरी साइड से भी मैंने ऑयल लगा दिया है। और जब पराठे पे अच्छी ब्राउन कलर की चीतियाँ आ जाए तो पराठा बन जाएगा। ऐसे प्रेस करूँगी मैं ताकि पराठा जो है वो पूरी तरह से पक जाए, उसके किनारे भी अच्छे से पक जाएँ। एक बार चेक कर लेंगे ये तो हम। अब मैंने ऐसे पलट दिया है, पराठा जो है वो अच्छे से पक चुका है, किनारे भी अच्छे से पक चुके हैं पराठे के। और जो आलू का पराठा है वो बन चुका है। ऐसे किचन टॉवल पर मैंने निकाल लिया है इसे। और आप इसे दही के साथ या रायते के साथ किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक कमेंट एंड शेयर।